मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में। देखिए, देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 चुनाव जो है उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार आएगी। क्या लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी या ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए टक्कर दे सकती है? आइए खुद लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। आपको क्या लगता है पीएम मोदी को पीएम पद के लिए कौन टक्कर दे सकता है? पीएम पद के लिए फिलहाल तो कोई नहीं दे सकता। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन फॉर दिस टाइम बीइंग। फॉर करंट सिचुएशन मोदी इज बेस्ट, बट मे बी अपार्ट फ्रॉम मे बी अरविंद केजरीवाल। फिलहाल तो मुझे कोई नहीं लगता उनके अलावा है, विकल्प नहीं है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी या ममता बनर्जी को नहीं दे सकते? कि अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट जितने अच्छे स्टेशन हैं सभी पर आपको लिफ्ट मिल जाएगी, सभी पे आपको एस्केलेटर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना ऐसा नहीं था कि आज ही लोग जो मान लीजिए कि डिसेबल हैं, जो मतलब वृद्ध हैं, पहले नहीं थे, पहले लोगों ने सोचा, वो चीज़ें हैं। फिर आप देखिए पहले की स्थिति, स्वच्छ भारत अभियान जब से शुरू हुआ है उसका एक इफेक्ट आप देख लीजिए कि सुबह के समय पे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं कितना नीट एंड क्लीन होता है, पहले आप ट्रैक नीचे देख नहीं सकते थे। ठीक है, उसका कारण ये रहा कि ट्रेनों उन्होंने बायो टॉयलेट वगैरह लगवा लिए। सबका सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा देश का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों, वजह बताइए। देखो महंगाई की तो कोई बात नहीं, ऐसी वो होती है, उसी हिसाब की महंगाई होती है। अब देखो देश में कितना राम मंदिर बन गया, कितनी अच्छाई हो गई, हाईवे बन गए, रोड बन गए, यूपी पूरी चमका के रख दी योगी जी ने, मोदी जी ने, दोनों लोगों ने काम बढ़िया कराया। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।